ध्यान दो बच्चों, लगभग दो दिन पहले 12वीं के बच्चों को सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन ये बायोलॉजी का एक टॉपिक है प्रिपेयर करने के लिए कहा गया था, ठीक है। हालांकि इसके ऊपर टेस्ट शायद कल ही हुई है, कल या परसों नहीं हुई, लेकिन बोली थी होने वाली है, बोलते मैम ने बोली थी टेस्ट करना है। तो सिद्धार्थ सर लोग करवाती है, तो आज इन बच्चों का टेस्ट होने वाला है। इसमें कई बच्चे अभी और इंक्लूड नहीं किए गए, जो बच्चे नहीं थे। सिद्धू चल लोग करवा, चल लोग कर पढ़कर ये बात। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, लौकर पढ़कर वीडियो चल रहे, घर ही पढ़ रहे, पढ़ रहे हमारे नकोला फटके खा लगते हैं स्टेज पर ये एक छड़िया ना फटके कौन पास का दिखाई प्रॉब्लम हाँ चलो ठीक है, सिद्धू का बाद में देखेंगे क्या है, पहले जितने बच्चे प्रेजेंट हैं उनका देखेंगे। सभी लोग ध्यान देंगे कि इनको अपने 30 40 50 कुछ सवाल पूछ लेंगे, ओके। अलग अलग किताबों से रैंडमली ये सवाल पूछे जाएंगे, कई सारे सवाल एग्जाम में आए हुए होंगे, कई सारे सवाल एग्जाम के बाहर के भी हो सकते हैं। अलग अलग किताबों से अपन सवाल पूछ रहे हैं, देखते कितना बच्चे जवाब दे पाते हैं। जिनको आता है उन्होंने हाथ ऊपर करना है, आपको हाथ ऊपर करने का मतलब है आपको जवाब आता है। अगर उसके बाद भी आप अगर गलत जवाब देते हो, ठीक है, गलत जवाब देते हो तो ये माना जाएगा कि आप पढ़ाई किए नहीं और ऊपर से धीटता दिखाते हुए आप गलत जवाब दे रहे हो, ठीक है। यानी आप अपने घर वालों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हो हाथ ऊपर उठा के, ऐसा माना जाएगा। तो गलत जब है तब हाथ उठाना ही नहीं है, जब आपको आता नहीं, जब आता हो फिक्स तभी हाथ उठाना है। समझ में आया सभी को? शुरू करते हैं सवालों को। जिनको जवाब ऑप्शन देने से पहले जवाब आते हो तभी आप हाथ उठा सकते हो उस केस में, ओके। तो ये सेल साइकिल सेल डिवीजन है। चलो कुछ सवाल ऑनलाइन भी है जो पूछ रहा हूं मैं, शुरू करते हैं। पहला सवाल है, अ बायवेलेंट कंसिस्ट ऑफ ऑप्शन ए टू क्रोमेटिड्स एंड वन सेंट्रोमर, ऑप्शन टू टू क्रोमेटिड्स एंड टू सेंट्रोमर्स, ऑप्शन थ्री फोर क्रोमेटिड्स एंड टू सेंट्रोमर, ऑप्शन फोर फोर क्रोमेटिड्स एंड फोर सेंट्रोमर्स। जिनको आता है उन्हें हाथ ऊपर करना है, आने की तक थामला थामला फुट फुटाइस नहीं, फायदा लेने के लोग आपका फिर गलती हो जाएगी आपसे। हाँ रजाक साहब, ऑप्शन ए सी, ऑप्शन सी एक चल रहा, एक एक क्यों नहीं चल रहा, ये टच के दिखा नहीं रहा तुझे। और आजू बाजू वालों को बोलना नहीं है जवाब, अरे नहीं चल रही, टच नहीं कर रहे, देख ऑप्शन ये था तेरा, तेरा ऑप्शन सी, और किसने हाथ ऊपर किया, तूने भी किया था, हाँ तेरा सी, तेरा सी ऑप्शन सी इज द राइट, रजाक का रॉन्ग है, अंदाजे पंच रहने प्रत्येक प्रश्न तो वर्ग प्रश्न कह भी समझे ना, अंदाज लागला तर लागला, घर वालों को बेवकूफ मत बना, ये वीडियो में आ रहा है, आगे कहते वीडियो में घर वालों को बेवकूफ मत बना, पढ़ाई करनी पड़ती बच्चे तब जाके रिजल्ट आते हैं, ऐसे फोकड़ में नहीं मिलता कुछ भी, समझ रहे हो क्या। चलो सवाल है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन द स्पिंडल फाइबर अटैच टू द क्रोमोसोम्स एट अ रीजन कॉल्ड, इतने लोगों को आता है, दो लोगों को आता नहीं है, ऑप्शन सारे बढ़ाते, पहला ऑप्शन है क्रोमोसेंटर, दूसरा है K
किनेटो सेंटर नहीं किनेटो कोर ऐसे है ना, तीसरा है सेंट्रोइड, चौथा है क्रोमोमर, हाँ बी 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 ठीक सबका सही है, दो लोगों को ऑप्शन देने पड़े थे भी ठीक है। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ द एल्यूरोन सेल ऑफ अ प्लांट विथ 42 क्रोमोसोम्स इन इट्स रूट टिप सेल, ऑप्शन ए 21, ऑप्शन टू 42, ऑप्शन थ्री 63, ऑप्शन डी 84, दादा ओके 63 is the right answer. Wrong answer. Synapses occurs between. इस बार ladies first. आविष्कार तू बता. Synapses occurs between. Number एक, a male and a female gamete. Number two, mRNA and ribosomes. Option three, spindle fiber and centromer. Option four, two homologous chromosomes. बोलना नहीं है पहले, हाथ ऊपर करना है, हालांकि ठीक है तू लड़की होने की वजह से जल्दी बोल दिया, लेडीज फर्स्ट बोला था तो बोल दिया। तेरा कहना क्या है? डी 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 तेरा संगीत क्या मोटिव है? हाँ सबका डी ठीक है, बोलना नहीं है शांत बैठना है। बेस्ट स्टेज टू ऑब्जर्व शेप साइज एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज, बोलना नहीं है बिल्कुल भी, जो बोलेगा वो पटके जाएगा, तीन लोगों को आता ही नहीं ऑप्शन की गरज नहीं है, ज्यादा उत्तर देते ज्यादा ऑप्शन की गरज नहीं, ये थ्योरेटिकल प्रश्न है। हाँ इंटरफेस वन तुमच्यासाठी ऑप्शन दोघांसाठी, इंटरफेस वन, इंटरफेस टू, इंटरफेस थ्री, इंटरफेस फोर, हाँ इंटरफेस फोर, इंटरफेस फोर नसते बायोलॉजी मध्ये नाही असले म्हणजे याचा आपल्याला अभ्यास नाही, हे आपण अंदाज लावले चारी पैकी एक, इंटरफेस वन टू थ्री फोर कुछ होता ही नहीं है, आपण अंदाज लावले अंदाज से नहीं चलता बच्चे यहाँ पे, ये नीट है। हाँ बाकी के लिए ऑप्शन, अच्छा जिनको जिनको आता है वो लोग हाथ नीचे करो, जिनको नहीं आता उनके लिए ऑप्शन दे रहा हूँ, इंटरफेस, मेटाफेस, प्रोफेस, टेलोफेस, सही तरीके हाँ से रजा कराऊं तो इंटरफेस, हाँ बाकी के बच्चे मेटाफेस, मेटाफेस तीन लोगों कराऊं तो पूजा पूजा और ये दोनों, बाकी के बच्चों का ठीक करो सही करो। If a diploid cell is treated with ये क्या है colchicine, हाँ with colchicine then it becomes option one triploid, option two tetraploid, option three diploid, option four monoploid, तथा tetraploid in meiosis crossing over and exchange of genetic material between homologous chromosomes are catalyzed by the enzyme, नहीं इंजाइम के नाम दिए हुए हैं जी, जिनको नहीं आता उनके लिए ऑप्शन भी बताता हूँ, प्रोपाइलेज राइलेज कुछ तो है, हाँ दूसरा है
रिकंबाइनेंस, तीसरा है ट्रांसफरेंस और चौथा है पॉलीमरेंस। ऑप्शन नंबर दोन काय नाव आहे त्याचं? या चार पैकी तुला एक जे नाव येतं ते सांग कोणतं येतं? या चार पैकी एका इंजिनचं नाव तुला माहित आहे का ते सांग? तरी ऑप्शन नंबर दोन तुला घ्यायचं होतं ना। ऑप्शन नंबर चार, ऑप्शन नंबर दोन, ऑप्शन नंबर चार। हा आविष्कार रिकॉम्बिनेस, ऑप्शन नंबर दोन रिकॉम्बिनेस, रिकॉम्बिनेस, रिकॉम्बिनेस। हा ज्यांचं चुकलं त्यांचं चुक करा। सौरभ हा रजाचा आधा भीक मार करा, गोल करा, गोल गोल करा, म्हणजे अंदाजे पंचाहन आहे रिकॉम्बिनेस माहित असलं त्याला काय आहे। हा सेल्स इन जीनोट फेज नंबर एक टर्मिनेट द सेल साइकल, नंबर दोन एक्साइट द सेल साइकल, एक्सिट द सेल साइकल, एक्सिट द सेल साइकल, एक्सिट एक्सिट सही है, एक्सिट द सेल साइकल, तीन इंटर द सेल साइकल, या चार सस्पेंड द सेल साइकल। आता ही कोई हाथ खड़ा करना है, बढ़त नहीं करना, यानी मुझको मजबूर मत करो कि मैं भड़के दे दूं। हाँ रजाक बोलो, एग्जिट द सेल साइकिल, तेज मन लावता तेरे मुंह ना, ठीक है। दूसरा क्या है तुमसे उत्तर? जवाब है सस्पेंड द सेल साइकिल। आना सड़े ला ठीक है, खड़े ले क्या सेल्स इन जी नॉट फेज सस्पेंड द सेल साइकिल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर चार दिया है और ये नीट 2019 में पूछा हुआ सवाल। अच्छा नीट 2019 में पूछे तो इसमें होगा ना 19 है ना इसमें। ऑप्शन वन का ऑप्शन है बी, और यहाँ पे सेल के साथ क्या होता है आफ्टर एम फेज ऑफ सेल साइकिल? ऑप्शन वन न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स डिक्रीज होता है, या न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स इंक्रीज होता है, या न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स फ्लक्चुएट होता है, या न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स रिमेंस कांस्टेंट? ऑप्शन बी इंक्रीज होता है। बाकी के लोगों को कुछ बोलना है? ये तस सांगितलंस आणि रॉंगच सांगितलंस, रॉंगच सांगितलंस। बाकी के लोगों को कुछ बोलना है? फ्लक्चुएट होता है न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स फ्लक्चुएट, सबका रॉन्ग कर दो, कर दो रॉन्ग। हाँ Which of the following stages of meiosis involves division of centromere? समजा जर काही उत्तर वाटत असेल की आपल्याला हे उत्तर आहे तर बिना ऑप्शनचं दिलं चुकलं तरी हरकत नाही, देऊ शकता, ट्राय करून बघू शकता। आता याच्यामध्ये ऑप्शन वेगळे दिलेले आहेत। Which of the following stages of meiosis involves division of centromere? एनाफेज, वन तर नाही दिला ऑप्शन। हा एनाफेज टू म्हणायचं, एनाफेज टू, एवढ्यांचं राईट करा बाकीच्याचं रॉंग करा, तिचं पण एनाफेज राईट करा, कारण की याच्यात ऑप्शन मध्ये चार पैकी एकच एनाफेज दिलेला आहे, बाकीचे टेलोफेज दिलाय, मेटाफेज दिलाय,
उसका भी राइट अंकिता का विदाउट ऑप्शन है इसलिए राइट कर दो बाकी के लोग कर दो तो जिन्होंने बताया उनका राइट कर दो सवाल है व्हेन सेल हैज SPALED is failed. Stalled DNA. When cell has stalled DNA replication, for which checkpoint should be predominantly activated? ऑप्शन ए जीवन बायस ऑप्शन बी ये देखा मेरे साथ ऑप्शन बी पर संभव प्रश्न पर चिंटू भाई एम ये तो असल तो सांगे से नहीं मोटा ना शांत बताए हाथ बोल कर ऐसा ऑप्शन सी कैपिटल एम ऑप्शन डी बोथ चिंटू भाई एम एंड एम When cell has stalled DNA replication for which checkpoint should be predominantly activated? कितना checkpoint activate होता है? ऐसा ही ना? एक ना predominantly activate हो जाता है जब stalled DNA replicate for करता है ऐसा ही। ऑप्शन साइन चिकन से पर नाइन हाँ सॉरी बी जीवन बाय यस जीवन बाय जीटू बाय यम तो पूछो कभी बोलना है बोलना नहीं कुछ भी 400 उत्तर आए जीवन बाय यस कोणी कोणी जीवन बाय यस सुनो सांगितले 20 सांगितले हां या रॉन्ग दोन जण रॉन्ग रजाक पण रॉन्ग बाकीचे काणा दिना गुंड घालो रे लेट हा तिकडे आम्हाला सोडल्या झाल्या आणि मी सोडलं काय त्रास आहे का तसा असत मला सांग पुढची घेतो तुला मी कसं काय थांबायचं कसं नाही करायचं बेटा अन एक्झाम्पल ऑफ मायटोजेन इज मायटोजेन एम आय टी ओ जी ई एन ठीक है छोड़े देता हूँ सवाल क्योंकि ऐसे भी किसी एग्जाम में जनरली जाकर छोड़ा हाँ Which of the following is not characteristic feature during mitosis in somatic cells? Somatic cells में mitosis के during कौन सा नीचे का feature ये characteristics नहीं है? Option A, chromosome movement. Option B, synapses. Option C, spindle fiber. Option D, disappearance of nucleolus. ए ऑप्शन ए क्रोमोसोम मूवमेंट ऑप्शन बी स्नैपसिस ऑप्शन सी स्पिंडल फाइबर ऑप्शन डी डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस माइटोसिस इन सोमेटिक सेल्स ऑप्शन ए क्रोमोसोम मूवमेंट ऑप्शन बी synapses option c spindle fiber option d disappearance of nucleus mitosis synapses option b synapses option b ah logo jana karna nahi isme aur jawab galat diya hai isme diya hai d इस अपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस चेक करना पड़ेगा कोई तो इंटरनेट चालू करो रे डी डी आई डी इसको चलो सवाल को क्या प्रश्न का गोल कर बैठला कितने नंबर का क्वेश्चन चालू है 12 नंबर के सवाल को गोल करके रखो इसके ऊपर अपन थोड़ा हां चलो ये अर्पिता सवाल पूछो Nucleosis. Nucleosis for the chromosome start appearing and option number 1 to
तीन उत्तर
मियोसिस वन इज अ रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस टू इज इक्वेशनल डिवीजन ड्यू टू किसकी वजह से? ऑप्शन ए टेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, ऑप्शन बी क्रॉसिंग ओवर, ऑप्शन सी सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स, ऑप्शन डी डिसजंक्शन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ऑप्शन रिपीट करता हूं, सवाल समझ में आया? ऑप्शन रिपीट करो, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स या ऑप्शन बी क्रॉसिंग ओवर या ऑप्शन सी सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स या ऑप्शन डी डिसजंक्शन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। सॉरी ऑप्शन सी सही है। विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स द इवोल्यूशनरी एडवांटेज ऑफ मियोसिस, मियोसिस का इवोल्यूशनरी एडवांटेज नीचे से कौन सा स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रहा है अच्छे से? ओके, नंबर वन मियोसिस इज नेसेसरी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नंबर टू मियोसिस अल्टरनेट्स विथ माइटोसिस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, नंबर थ्री जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आर पॉसिबल फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन या ऑप्शन डी द सेम जेनेटिक सिस्टम इज पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ऑप्शन रिपीट करो जी, हाँ ऑप्शन बी सी ऑप्शन सी ऑप्शन सी ऑप्शन सी इज राइट। हाँ सौरभ का रॉन्ग कर दो, रजा का भी रॉन्ग कर दो। मियोसिस इज नेसेसरी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पूरा अंदाज में नहीं आई भी आप तो सब कुछ कभी मार लो तो ध्यान में आते भी नहीं सकते। हाँ इनका राइट कर दो, राइट कर दो, जाने दो, छोड़ दिया राइट साइड का तक हाथ को लगा, हाथ को जल्दी बस राइट को लगा राइट। ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन अपाइकल मेरिस्टेम होता है ऐसा कुछ, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर्स इन, विदाउट ऑप्शन चुकला तरी चालते, विदाउट ऑप्शन चुकला तरी चालते। ऑप्शन देतो, ऑप्शन तुम्हाला सांगायचं का ऑप्शन काही? इलोफेज इज द राईट आन्सर, विदाउट ऑप्शन वाले ना राईट करा, बाकीच्यांना काहीच करू नका, ना राईट ना रॉन्ग, विदाउट ऑप्शन जो बोलेंगे और सही बोलेंगे उनको ज्यादा सही माना जाएगा। ठीक है ना, तो अगले सवाल में इसके लिए आपको रॉन्ग नहीं किया गया, आपको छोड़ दिया गया। ठीक है, कुछ में ऐसा होगा कि आपको भी आ जाएंगे। माइक्रोट्यूब्यूल इज इन्वॉल्व्ड इन द, नंबर वन मसल कॉन्ट्रैक्शन, नंबर टू सेल डिवीजन, नंबर थ्री मेम्ब्रेन आर्किटेक्चर या नंबर चार डीएनए रिकॉग्निशन। ऑप्शन ए मसल कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन टू सेल डिवीजन, ऑप्शन थ्री मेम्ब्रेन आर्किटेक्चर या ऑप्शन डी डीएनए रिकॉग्निशन। सवाल है माइक्रोट्यूब्यूल इज इन्वॉल्व्ड इन द, एट मेटाफेज क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड टू द स्पिंडल फाइबर by their
बाय देयर किस चीज से कनेक्टेड होते हैं उनके बारे में बाय देयर समझते हैं एट मेटाफेज क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड टू द स्पिंडल फाइबर हाँ हाँ काइनेटोकोर बाकी कुछ अलग है और बिल्कुल सही है सबको राइट कर दो दो लोगों को रॉन्ग डबल रॉन्ग करो इफ यू आर प्रोवाइडेड विद द रूट टिप्स ऑफ ओनियन अगर आपको रूट टिप्स ऑफ ओनियन दिया जाए इन योर क्लास एंड आर आस्क्ड टू काउंट द क्रोमोसोम Which of the following stages can you most conveniently look into? Which of the following stages can you mostly conveniently look into? कौन क्या स्टेज में पहल तू ही बेस्ट मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ माइटोसिस इन लेबोरेटरी इज ऑप्शन हाँ Splitting of centromer and hence separation of chromatids occur during splitting of centromer and hence separation of chromatids occur during विदाउट ऑप्शन आता है पूजा विदाउट ऑप्शन हाथ में सवाल करेंगे एनाफेज मध्ये ऑप्शन दिले पुढे एनाफेज कशाची माइटोसिस 1 ची माइटोसिस 2 ची मियोसिस 1 ची मियोसिस 2 ची मियोसिस 2 ची एनाफेज मियोसिस 2 एनाफेज मियोसिस 2 ये छोड़ के कुछ अलग है क्या जवाब है एनाफेज ऑफ मियोसिस 2 एंड माइटोसिस भी है दो जवाब ठीक है ड्यूरिंग मियोसिस 1 क्रोमोसोम नंबर ऑप्शन ए इज रिड्यूस्ड टू हाफ क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस्ड टू हाफ होता है ऑप्शन बी डबल्स अप ऑप्शन सी रिमेंस द सेम ऑप्शन डी आइदर ए और बी ड्यूरिंग मियोसिस वन के दरमियान क्रोमोसोम नंबर का क्या होता है क्रोमोसोम नंबर रिड्यूसेस टू हाफ आधा हो जाता है क्रोमोसोम का नंबर या डबल हो जाता है या रिमेंस द सेम या आइदर ए और बी ड्यूरिंग मियोसिस वन क्रोमोसोम नंबर का क्या होता है रिड्यूसेस टू हाफ आधा हो जाता है डबल हो जाता है डबल सब रिमेंस द सेम रहता है नंबर तीन या आइदर ए और बी जिनको आता है वही हाथ ऊपर करो रजा ऑप्शन ए ऑप्शन ए ए के ये सब ये छोड़ के गए ऑप्शन सी रिड्यूसेस टू हाफ ऑप्शन ए आप सभी लोग शांत बैठेंगे जिनको आते हैं वहां तो कर देगा द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज रिड्यूस्ड टू द हाफ ड्यूरिंग नंबर वन
बिना ऑप्शन के कितने लोग पाता है? रजा मियोसिस वन आविष्कार मियोसिस अबे आपको तो क्वेश्चन रिपीट करना है उल्टा होता है मियोसिस वन रजा का जवाब किधर है किधर है क्वेश्चन चार क्वेश्चन बाकी At which of the following stages the chromosomes appear single, comma, thin and thread-like? At which of the following stages the chromosomes appear single, thin and thread-like? Number one, leptotin. Number two, zygotin. Number three, H-chin. Number four, डाइप्रोचीन. पूजा दो लोगों का राउंड कर दो लोग छोटे बाकी का सही कर दो फ्रैगमोप्लास्ट इज रिलेटेड टू नंबर वन डिवीजन ऑफ न्यूक्लियोलस नंबर टू फ्रैगमोप्लास्ट इज रिलेटेड टू कशाशी रिलेटेड है फ्रैगमोप्लास्ट नंबर वन डिवीजन ऑफ न्यूक्लियोलस नंबर टू सेल इलॉन्गेशन नंबर तीन साइटोकाइनेसिस नंबर चार असेंबलेज ऑफ क्रोमोसोम्स एट मेटाफेज कोई नहीं ऑप्शन बी बाकी के लोग ने तो हाथों पर उठाए ही नहीं तो ऑप्शन बी रॉन्ग है खत्म दो ऑप्शन हाँ एक का रॉन्ग कर दो बाकी के बॉक्सेस छोड़ दो सवाल है माइटोटिक स्पिंडल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ डैश 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 प्रोटीन्स स्पिंडल ट्यूबुलिन ये सही है ठीक है आगे सवाल है डैश 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 इज द बेस्ट स्टेज टू काउंट द नंबर एंड स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स ये हो गए ऐसे हाँ क्या है मेटाफेज मेटाफेज इधर रहेगा नहीं दो लोग छोड़ के मियोसिस अगर इन ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग मियोसिस अकर्स इन ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग कब होता है नंबर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नंबर दो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नंबर तीन बोथ सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नंबर चार नन ऑफ दिस मियोसिस अकर इन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग हाँ बी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नावाचा काय फरक नाही पहिला होता वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होत रॉन्ग आणि आपले उत्तर रॉन्ग आहे बाकीच्या सगळ्यांचं बरोबर झाले का ठीक आहे बसा